अभ्यास एक बी, सवाल नंबर एक, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए का सवाल दिया है, माइनस के 8/10। इसे हम सरलता रूप में करेंगे तो भाग देंगे, उस पहाड़े से भाग देंगे जिस पहाड़े से दोनों कट जाएं। जैसे मान लो हम भाग देंगे 2 के पहाड़े से, तो 2 चौक 8 और 2 5 10, आंसर आया माइनस के 4/5। अगला निकालेंगे 15/20। 15/20 को इसी प्रकार से काटेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 3 15 5 4 20 बराबर 3/4। अगला गा सवाल 25/45। 25/45 को काटेंगे 5 से, 5 25 और 5 45 आंसर। माइनस के 14/77, इसको हम काटेंगे 7 से, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7 माइनस के 2/11, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर दूसरा, संकेतों बराबर और में चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो माइनस के 4/5, बराबर का होगा तो ये देख लिख देंगे निशान, नहीं होगा तो ये वाला लगा देंगे। 4/5 माइनस के 5/7, त्रिची गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 5 25, इसका 28 आया, इसका 25 आया, आंसर बराबर नहीं आया तो ये बराबर का नहीं है। अगला करेंगे 11 7 77 11 7 77, ये बराबर का है, इसकी त्रिची गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 5 7 35, ये बराबर नहीं है। जो आंसर बराबर आएंगे वो बराबर के होंगे। 14 और 16 की गुणा करेंगे, 14 और 16 की गुणा होती है 324, और 21 और 16 की गुणा होती है 336, ये बराबर नहीं है, ये काट देंगे। सवाल नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है। तो हम ये जांच करेंगे, सबसे पहले हम इनको काट पीट कर लेते हैं, 3 3 9 और 3 4 12, इसको कराएंगे 4 2 8 और 4 3 12, इसका निकल के आया 3/4, और इसका निकल के आया 2/3। अब करेंगे हम, एक सूत्र होता है हमारा a/b, c/d, तो इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, इसे c और इसे d, तो इसे करते हैं त्रिची गुणा, तो ad/bc। इसी प्रकार से इसको रख लेंगे, a का मान है 3 गुणा b का मान है, d का मान है 3 बराबर, इसलिए 4 × 2 3 3 9 4 2 8, ये बराबर नहीं है आंसर। दूसरा सवाल निकालेंगे, दूसरे को काट लेंगे 5 से, 5 3 15 और 5 5 45, 9, इसको काटेंगे 16 1 16 16 3 48, 1/3। सूत्र है हमारा a/b = c/d, इसको हम a मान लेंगे और इसको b, इसको c और इसको d, सही है। तो a का मान इसे ये होता है ad = bc, त्रिची गुणा करते हैं इनमें, इस तरह हल करेंगे, तो a का मान हमने कितना माना है 3, d का मान हमारा कितना है 3 बराबर,
सी का मान कितना है हमारा, एक, और बी का मान एक और सी का मान कितना, बी का मान हमारा 9 है और सी का मान 1। हल करेंगे तो 3 × 3 = 9 बराबर 3 × 3 = 9, ये हमारी क्या है, समान है, इसे लिख देंगे समान है। तो ये समान जोड़े बूझ रहा है कौन से, देख समान जोड़ा हमारा ये वाला है। सवाल नंबर 3 का घा सवाल, घा सवाल पहले काट लेंगे, 7 × 7 7 × 21 तो 1/3 आया हमारा इसका, 3 × 3 3 × 9 और इसका निकल के आया हमारा 1/3। हल करेंगे 1/3 बराबर 1/3 गुणा कर देंगे तिरछी, आएगा 3 × 3 बराबर 3 × 3, ये हमारी समान है, समान बुझ रहा तो ये हमारी समान है। दूसरा सवाल निकालेंगे, पहले दूसरा सवाल निकालेंगे, इसे काट देंगे हम 2 से, 2 × 8 2 × 7 = 14 इसे काटेंगे, इसे नहीं काटेंगे, इसे ही रहने दो। तो 4/7 माइनस के बराबर 13/21 तिरछी गुणा करेंगे, 21 × 4 होते हैं 84, तिरछी गुणा कर लेंगे 21 × 4 = 84 और 13 × 6 होते हैं 78, 97 = 91 कितने होते हैं माइनस के 91। तो ये असमान है हमारी, ये हमारी असमान है, बूझ रहा कौन कौन समान है, तो समान हमारी एक ये हो गई और एक ये हो गई, दो हमारी समान हो गई। सवाल नंबर 4 का, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, 4 का सवाल, एक संख्या रेखा बना लेंगे हम, संख्या रेखा बना लेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। क्या कह रहा है, कितना निरूपित करना है हमें, 3/4 तो 1, 2, 3 यानी लिख लेंगे 1, 2, 3 बटे में 4 कर लेंगे, इनके बटे में 4, इनके बटे में 4, तो हमें यही निरूपित करना है, बस हमारा हल। खास सवाल 3/5 तो इसकी एक रेखा बना लेंगे हम, यहाँ पर यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, यहाँ से बंद कर देंगे रेखा को, तो हम देंगे यहाँ पर 3/5 तो 1, 2, 3 1, 2, 3 बटे में 5 कर देंगे, इसके बटे में 5 कर देंगे और इसके बटे में 5, ये इसको हम यहाँ से मिला देंगे, बस ये हमारा आंसर। अगला सवाल है गावाला, गावाला सवाल दिया है 5/8 इसको हम रेखा बना लेंगे, 1, 2, 3 यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 इतनी बनाएंगे, कितना दिया 5/8 तो 1, 2, 3, 4 × 5 तो 1, 2, 3, 4 × 5 इनके बटे में 8 कर देंगे, इसके बटे में 8, इसके बटे में 8, इसके बटे में 8 और इसके बटे में 8, बस यही हमें निरूपित करना है। अगला सवाल दिया घा 3/16 तो 3/16 की रेखा बनाएंगे इस तरह, फिर हम तो 1, 2 और 3 यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे, निरूपित करेंगे हम घा सवाल, ये घा का है, घा का करेंगे निरूपित 1, 2, 3 1, 2, 3 × 16 × 16 × 16 बस यही निरूपित करना है, ये हमारे आंसर, ये हमारा खाका हो गया और ये हमारा काका हो गया। सवाल नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़ों में कौन कौन असमान है, तो इसको असमान निकालेंगे हम, पहले से काट लेंगे हम
आठ एकम आठ, आठ तीय चौबीस, इसको काटा सात एकम सात तीय इक्कीस, इसका आया एक बटे तीन, इसका आया एक बटे तीन। यहाँ लिख लेंगे एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन। तिरछी गुणा करेंगे तीन एकम तीन और तीन एकम तीन, ये हमारी समान है। क्या है? समान। हमें निकालनी है असमान, तो ये हमारी असमान नहीं है। दूसरा सवाल देखेंगे इसका। सवाल नंबर पाँच में का खा पहले से काट लेंगे, पाँच एकम पानती है पंद्रह, पाँचों बीस, इसका निकल के आया तीन बटे चार, इसको काटे पचम पच्चीस और पाँचक तीस, बराबर निकल के आएगा पाँच बटे छः। तिरछी गुणा करेंगे तो होगा हमारा छः तिया अठारह बराबर चार पंजे बीस। हमसे पूछ रहा है असमान, तो ये हमारी क्या है? असमान है, ये हमारा आंसर। दूसरा देखेंगे, ये दिया जीरो बटे माइनस के सात और जीरो बटे चार। जब दिया किसी गुणा किसी में करते हैं, जीरो गुणा किसी में भी करो तो जीरो आता है, ये हमारी समान हो गई। क्या हो गई? समान। घा सवाल, इसका घा सवाल दिया माइनस के छः बटे दस और नौ बटे माइनस के पंद्रह, हल करेंगे, काट दे रहे हैं, दो तीन छः और दो पंजे दस, तीन तीन नौ, तीन पंजे पंद्रह, निकल गया तीन बटे पाँच बराबर तीन बटे पाँच। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ निकल के आएगी समान, ये हमारी समान। हमसे पूछ रहा था केवल असमान, तो हमारी है असमान खा वाली। कौन सी है? ये हमारी असमान है। अभ्यास दी एंड।